दरबार में आज आए हैं तेरे दरबार में, लो बिठा लो हमें प्यार की छाँव में, लो बिठा लो हमें प्यार की छाँव में, आज आए हैं तेरे दरबार में, आज आए हैं तेरे दरबार में, लो बिठा लो हमें प्यार की छाँव में, लो बिठा लो हमें प्यार की छाँव में, आपकी बंदगी में है हाजिर सभी, 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 किया सरकार सरकार ने, लो बिठा लो हमें प्यार की छाँव में, लो बिठा लो हमें प्यार की छाँव में, आज आए हैं तेरे दरबार में, आज आए हैं तेरे दरबार में, लो बिठा लो हमें प्यार की छाँव में, लो बिठा लो हमें प्यार की छाँव में, जिसने एक बार देखा वो तेरा हुआ, जिसने एक जाने क्या है कशिश तेरे दरबार में, लो बिठा लो हमें प्यार की छाँव में, लो बिठा लो हमें प्यार की छाँव में, आज आए हैं तेरे दरबार में, आज आए हैं तेरे दरबार में, लो बिठा लो हमें प्यार की छाँव में, लो बिठा लो हमें प्यार की छाँव में, खाली दामन है मेरा तेरे सामने, खाली दामन है मेरा तेरे सामने, क्या कमी है प्रभु तेरे दरबार में, लो बिठा लो हमें प्यार की छाँव में, लो बिठा लो हमें प्यार की छाँव में, आज आए हैं तेरे दरबार में, आज
दौलत मांग लो, चाहे सच्चे नाम का खजाना मांग लो, लेकिन संसार की दौलत जो मांगेगा वो क्षण भंगुर के अंदर थोड़ा सा सुखी है, लेकिन जो उनके चरणों के अंदर बैठ करके उनके नाम का सच्चे दिल के साथ कि प्रभु अपने चरणों के साथ इस मन की तार को जोड़ो, मन का कनेक्शन अपने चरणों के साथ जोड़ो। जब हमारा मन गुरुदेव भगवान के चरणों के अंदर लग जाता है तो न जाने क्या से क्या अंदर के आत्मिक नजारे जीव को नजर आ जाते हैं। आते किसको कहे, जो उनका अभ्यास करते हैं, जो उनके नाम के अंदर लग जाते हैं कि कैसा रंग चढ़ेगा। दूसरा रंग तो बेकार है, ये सच्चे नाम वाला रंग जिस प्रेमी के ऊपर चढ़ जाता है वो कभी उतरता नहीं है। तो उस नाम का अभ्यास करते करते
कई जीवन के बीत सल जा जाता है, कई वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन नाम का रंग नहीं चलता। न जाने हृदय के ऊपर कई प्रकार की काई लगी होती है, पर जिसके ऊपर इनकी कृपा हो जाए तो एकदम ही निर्मल हृदय हो जाता है, तो सच्चे नाम का रंग चल जाता है। तो हम जीव संसार के अंदर आए, श्री गुरु नानक देव जी ने भी क्या किया था, केवल एक ओंकार, उसी के अंदर बैठे बैठे गुरु नानक देव जी, ऐसी संगत भरी संगत थी, श्री गुरु नानक देव जी उस प्रभु के ध्यान के अंदर मस्त थे। प्रभु तो स्वयं ही थे, लेकिन जब बैठे बैठे मस्ती के अंदर आए, आते ही अंदर से वाह 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 निकल आया। जब श्री गुरु नानक देव जी के अंदर वाह वाह निकला, तो जैसे प्रेमी संगत बैठे, सब ने वाह 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 करनी शुरू कर दी, वाह 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 वाह। जब उनकी आंख खुली, कहने लगे ये सब वाह वाह क्या कर रहे हो, कहते गुरु नानक देव जी आपने कहा किया था, आप जब मस्ती के अंदर बैठे थे तो उस वक्त वाह वाह कर रहे थे, तो हम लोगों ने भी पिछले। तो गुरु नानक देव जी कहने लगे कि जलवा देखा नूर का, नानक की निवा, तुमने देखा क्या था जो तुमने की वाह। हम तो उस मालिक के ध्यान के अंदर बैठे थे, तो हमें पता नहीं क्या से क्या नजारे आ रहे थे, तो हम अंदर से वाह वाह कर रहे थे, उनका दीदार करते हुए। तो आप सब इसी प्रकार वाह वाह कहने लगे, हाँ जी गुरु नानक देव जी हमने भी ऐसे वाह वाह कर, तब से वाहे गुरु हुआ। उन्होंने सभी जितने भी हैं, राम कृष्ण रीम हनुमान सब पूरा सबको एक ही में जोड़ दिया, वाहे गुरु। वाह का मतलब वाह, हा का मतलब हरिओम, गा का मतलब गुरु महाराज, उ का मतलब ओम, रा का मतलब राम। उन्होंने वाहे गुरु के अंदर ही सबको जोड़ दिया। तो प्रेमियों, कोई भी उनके अंदर कोई फर्क नहीं है, प्रभु एक है। जीवों के अंदर नाम अनेक बने हुए, लेकिन मंजिल एक ही पहुंच बना है, एक ही मंजिल पर पहुंच करके सबने अपने जीवन का आनंद लेना। तो प्रेमियों, हमारे परम पूज्य श्री भाई जी ने बड़े आदम के साथ, मान के साथ दे करके आए थे, लेकिन उनका शरीर अस्वस्थ होने की वजह से वो आज नहीं आ सके। उनकी हाजिरी जैसे भी है कबूल करना, उनका मन यही है कि मैं जरूर जाती थी, लेकिन शरीर अस्वस्थ होने की वजह से वो आ नहीं सके। आप कभी फिर आएंगे तो गुरु महाराज उनको बाबा वीरभान जी अवश्य ही सेवा का मौका देंगे। प्रेमियों, हमेशा उनके नाम का ध्यान सिमरन, उसी के अंदर ही अपने मन के अंदर, अपने मन की माला के अंदर पिरोलोगे, तो जीते जी जीवन के अंदर आनंद और सुख की प्राप्ति होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो बाबा वीरवान।